सो आज मैं पहुंच चुकी हूँ रामनाथ इसी मार्केट में। स्पेशली मुझे कॉल करके बुलाया गया है मॉर्निंग में कि प्लीज आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तो मैंने कहा चलो किसी का दिल नहीं दुखाया जाए, तो इतनी रिक्वेस्ट की गई है और इतनी मॉर्निंग में बुलाया है तो चलो मिला जाए, दिल नहीं दुखाते चलो किसी का। तो मैं किससे मिलने आ रही हूँ तो आपको दिखाती हूँ किससे मिलने आ रही हूँ। लगेज जो बहुत दूर से आ रही है, तो ये है, मैंने मेरे को सुबह सुबह परेशान करके उठा दिया। मुझे बहुत रणमणि लगती थी इसकी चलो मिला जाए उससे। सो इसे मैं 1 महीने के बाद मिल रही हूँ और ये दिल्ली से आ रही है 1 महीने वहाँ पर स्टे करके, और मुझे इसकी बहुत रणमणि लग रही थी। और हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे बेतालघाट नेक्स्ट मंथ में भी, अगर ये वहाँ पर रही तो, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या है महोत्सव है बेतालघाट में, तो आप भी जरूर आना वहाँ के महोत्सव में। हमें पिछली बार इनवाइट कर रहे हैं आपको स्पेशली, हमने पिछली बार बहुत मजे किए थे, इस बार हम सोच रहे हैं कि मजे करेंगे वहाँ पर। और अगर मैं जाऊँगी तो हम दोनों मिलकर धमाल मचाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और अभी थोड़े से बीच में रुकी यहाँ पर, तो हम प्लान कर रहे हैं कि जूनी तुम्हें जाने का, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट ब्लॉग में देखना था, जब ये हनुमान धाम आई थी तो उसका अपना चेहरा देखा होगा, चेहरा तो हो गया था, अजीब सा हो गया था, लेकिन हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि उसका चेहरा सही हो गया और वहाँ जाके अच्छी हो गई। दिल्ली का पानी होता ही ऐसा है शायद, जो वहाँ का पहाड़ है। गाइस देखो मेरे से ना यहाँ पर स्पेशली बुलाया गया सामान लेने के लिए, ये देखो यहाँ सामान खरीद रहे हैं हम। तो हम आ चुके हैं आज कुंदन के, तो मेरी मैन को लस्सी पीने को मन बनता है इसलिए हमने मंगाई है लस्सी। दिल्ली से आने की खुशी में मेरी बहन मुझे लस्सी पिलाई जा रही है, देखो। सो चीयर्स करते हैं हम। मेरी सिस्टर मेरी लेकर आई थी, पहली गाड़ी आ चुकी है मेरी, खा चुकी अभी।